दोस्तों आज हमने फिर कुछ नया किया है। आज हमने टोयोटा की हाई राइडर में इंटीरियर कस्टमाइज़ किया है। इसमें हमने अपना अल्फा सीरीज़ का अल्फा 2 फैब्रिक लगाया है दोस्तों, और रेड कलर लिया है। साथ में हमने टॉप को भी बनाया है, स्टार लाइट भी लगाई है दोस्तों, पिलर पे भी लेदर रैप किया है दोस्तों, डैशबोर्ड पे भी किया है, स्टेयरिंग पे भी किया है, आउटसाइड से हमने मिरर पे कार्बन फाइबर किया है एंड मैकविल डाली है दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें की है। चलिए आपको दिखाते हैं कार के अंदर कि क्या लुक उठ कर आया है दोस्तों। आपको पहले मैं दिखा दूं मैकविल देखिए दोस्तों, कितना प्रीमियम मैकविल डाला है। इसकी वजह से पूरी गाड़ी का जो लुक है ना, पूरा ही चेंज हो गया दोस्तों। ये स्पोक वाले मैकविल है ब्लैक एंड सिल्वर कलर के, जिससे गाड़ी का जो लुक है ना, वो पूरा ही चेंज हो गया है दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ गाड़ी को इन्हेंस करती है दोस्तों। एक छोटी सी चीज़ और हमने की है बाहर से, वो भी देख लीजिए आप लोग। कार्बन ब्लैक में हमने इसको मिरर का कवर को फिनिशिंग, देखिए हमारे काम की क्वालिटी देखिए दोस्तों, किस क्वालिटी में काम हुआ है दोस्तों। अब मेन चीज़ आप देखिए, जो हमने काम अंदर जो किया है, कमाल किया है। आइए आपको दिखाते हैं अंदर से। पहले आप डोर को देख लीजिए, किस तरह से इसका हमने लेदर रैप किया है, रेड कलर लेदर रैप किया है डोर पे दोस्तों। स्टिचिंग की फिनिशिंग देखिए दोस्तों, एक तो कार्बन फाइबर हमने इधर पे भी लिया है दोस्तों। हाइड्रो डिपिंग हमने पियानो ब्लैक में लिया है और K4 के हमने एमेट लाइट लगाई है दोस्तों। आप लुक देखिए कितना प्रीमियम हुआ है इसका। चलिए आपको मेन चीज़ दिखाते हैं, सीट कवर किस तरह से इसका काम हमने किया है। सीट कवर में हमने अल्फ़ा 2 लिया है, और जो रेड लिया है ना दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम रेड लिया है, जिससे इसका लुक और भी इनहेंस हो गया दोस्तों। हमारा अल्फ़ा 2 का जो रेड है ना दोस्तों, वो जेन्युइन लेदर से मैचिंग है ना, ये आँख को लगता है ना ही ये बहुत ही ऑड लगता है दोस्तों, एकदम नेचुरल रेड कलर है ये। देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए, एक एक धागे की फिनिशिंग देखिए दोस्तों, कहीं से भी आपको कोई रिंकल नहीं मिलेगा, कहीं से भी कोई स्टिचिंग टेढ़ी मढ़ी नहीं मिलेगी, एकदम प्रॉपर तरीके से हमने इसको कस्टमाइज़ किया है। साथ में इसको हमने फिटिंग भी वैसे ही किया है दोस्तों। फिनिशिंग देखिए हमारी, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत टाइम लगता है, तब जाकर ये लुक आता है दोस्तों। अब आप अंदर से भी देख लीजिए स्टीयरिंग, उसके बाद फिर आप हमने हाइड्रो डिपिंग जो इस साइड में की है, इसकी फिनिशिंग देख लीजिए, डैशबोर्ड की फिनिशिंग देखिए दोस्तों। पूरा ओवर जो हमने काम किया है इंटीरियर का, वो देखिए कितना प्रीमियम काम हुआ है। K4 की लाइट कितनी ज़बरदस्त है दोस्तों, और ये हमारी जो फिनिशिंग में हमने जिस फिनिशिंग में काम किया ना दोस्तों, हाइड्रो डिपिंग, उसकी फिनिशिंग देख लीजिए, और ये जो हमने लेदर रैप किया है दोस्तों, इसकी स्टिचिंग की फिनिशिंग देखिए, और लाइन लेंथ देखिए दोस्तों, कितना प्रॉपर लिया है हमने इसको दोस्तों। ये हमने एम्बियड लाइट सेटअप 10 पीस लगाई है, डैशबोर्ड के नीचे भी लगाई, सीट के नीचे भी आएगी दोस्तों। देखिए स्टेयरिंग पे भी हमने छोटे से पार्ट को भी हाइड्रो डिप किया है, ये करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं था दोस्तों, लेकिन इन सब चीज़ों से जो इंटीरियर का लुक है ना दोस्तों, इन्हेंस होता है। छोटी छोटी चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इंटीरियर में दोस्तों। कितना ग्लोसी आया है इसका लुक, और छोटा सा पार्ट है लेकिन इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। साथ में हमने पिलर्स किए हैं, लेकिन पिलर का हमने जो कलर लिया है ना दोस्तों, वो ब्लैक लिया है, क्योंकि हमको टॉप ब्लैक करना था, हमने टॉप को ब्लैक किया है, और पिलर्स जितने भी है 6 पिलर उनको हमने ब्लैक किया हुआ, और इसकी स्टिचिंग हमने रेड ली है जो हमारे सीट कवर में है, जो हमारे डैशबोर्ड में दोस्तों, ताकि वो इससे मैच हो जाए दोस्तों। एक एक्टिवेटर भी हमने लगाया है, म्यूजिक सिस्टम जो कंपनी देती है ना दोस्तों, उसमें फुल एंड्रॉयड नहीं होता, उसको एंड्रॉयड बनाने के लिए ये एक इक्विपमेंट है, इसको हमने इंस्टॉल किया है। प्लग एंड प्ले है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सॉकेट टू सॉकेट है। आप चार्जिंग पोर्ट पे इसको लगाइए और आपका म्यूजिक सिस्टम फुल्ली एंड्रॉयड हो जाता है। दोस्तों आप बैक साइड से भी देख लीजिए दोस्तों, किस तरह से काम हुआ है आपको दिखाते हैं। सबसे पहला फ्रंट सीट का बैक साइड का पोर्शन देखिए, फिनिशिंग देखिए दोस्तों, कहीं पे भी आपको रिंकल्स नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी लाइन आउटलाइन नहीं मिलेगी, और एकदम परफेक्ट जैसा ओरिजिनल कंपनी का होता है ना दोस्तों, ठीक उसी तरह से ये बैठा हुआ है, क्योंकि हमारी साइज़ परफेक्ट होती है। पॉकेट के लिए हम दोस्तों एक प्लास्टिक की स्ट्रिप देते हैं, थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा, ये देखिए दोस्तों, ये हार्ड प्लास्टिक की स्ट्रिप है, जिससे क्या होता है कि आप कुछ भी चीज़ इसमें डालिए, ये वापस अपने जहाँ पे चला जाता है। अगर ये नहीं देंगे तो आप जैसे बॉटल आपने आपको रखना है या फाइल रखना है, रखने के बाद ना दोस्तों ये फैल जाता है, ये लूज़ हो जाता है, क्रैक होने लगता है दोस्तों। लेकिन ये फिनिशिंग आप देखिए, ये ऐसे ही रहेगी, और ये हमारी ब्रांडिंग है दोस्तों, ट्रूफिट। दोस्तों बैक सीट का भी देख लीजिए,
क्वालिटी देखिए, फिनिशिंग देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ये सब करने में, तब जाकर ये रिज़ल्ट आता है। फिनिशिंग देखिए, एक एक धागे की फिनिशिंग देखिए दोस्तों, बहुत टाइम लगा दोस्तों, बहुत टाइम लगा तब जाकर ये रिज़ल्ट सामने आया है। फिनिशिंग देखिए, लुक देखिए, और ये कलर जो है ना दोस्तों बहुत ही प्रीमियम कलर है, इसलिए इसका लुक और भी ज़बरदस्त आता है। आपको आमरिश का भी दिखा देते हैं, फिनिशिंग देखिए। मैक्सिमम लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं दोस्तों, ये प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते। इसकी फिनिशिंग देखिए दोस्तों, आर्मरेस्ट की भी फिनिशिंग देखिए, कितना प्रॉपर लिया है हमने और कितना प्रॉपर बैठा है दोस्तों, और लाइन लेंथ देखिए दोस्तों, कितना परफेक्ट है, कितना प्रीमियम लग रहा है, क्योंकि काम अच्छा हुआ है दोस्तों, और काम अच्छा करते हैं तब जाकर ये लुक आउट कर आता है दोस्तों। दोस्तों एक व्यू देख लीजिए टॉप का, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें की है, नॉर्मल काम नहीं है दोस्तों। स्टार लाइट ही लगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, साथ में इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो भी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे हमने ब्लैक मैक्सिकन फैब्रिक लिया है, इसके साथ में आपको मैं बता दूं, ये इसमें एक हैंडल आता है, इसमें लाइट्स आती है, इन सब के जो फाइबर्स हैं ये सब आइस ग्रे कलर के होते हैं दोस्तों। 25 पीस होते हैं छोटे छोटे मिला के, सारे पीसेस जो है ना 25 होते हैं दोस्तों। सबको हमने मैट ब्लैक में किया है ताकि ये इससे मैच हो जाए दोस्तों। ये सेंटर पिलर का भी देख लीजिए आप लोग कि कैसा काम हुआ है, ब्लैक पे रेड स्टिचिंग दोस्तों। इसको हमने लेदर रैप किया है, लेकिन इस पार्ट को हमने मैट फिनिश में पेंट किया है दोस्तों। लेकिन ये नॉर्मल पेंट नहीं है, निकलने वाला पेंट नहीं है दोस्तों, ये लेकर लगा के हमने पेंट किया दोस्तों। ये इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, इसको खोलना बहुत टिपिकल काम होता है दोस्तों। लोग इसको तो लगा देते लेदर रैप, लेकिन ये आइस ग्रे छोड़ देते इसको, वो बहुत गंदा लगता है दोस्तों। लास्ट पिलर भी देख लीजिए आप किस तरह से इसका काम हुआ है। राउंडिंग पे हमने पूरा रेड स्टिचिंग ली है और अपना ब्लैक लेदर लगाया है इसके ऊपर, जो हमने फ्रंट पे फैब्रिक लिया था वही फैब्रिक सेम है, लेकिन ब्लैक कलर लिया दोस्तों। इस साइड का भी डोर देख लीजिए आप लोग, काम की क्वालिटी देखिए किस तरह से हमने काम किया है, जो इस तरह से इसका रिजल्ट निकल कर आया दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, तब जाकर ये लुक उठ कर आता है। इसकी फिनिशिंग देख लीजिए आप, कार्बन फाइबर की, लेदर की फिनिशिंग देखिए, इसकी स्टिचिंग की फिनिशिंग देखिए, और साथ में जो हमने एम्बिएंट लाइट का काम किया ना दोस्तों, उसकी भी फिनिशिंग देखिए, और ये कार्बन भी हमने किया है दोस्तों। इन सब को मिला के ही जो एक लुक आता है ना, वही प्रीमियम लुक होता है दोस्तों। कुछ भी लगा देने से लुक अच्छा नहीं होता दोस्तों, एक कलर कॉम्बिनेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, तब जाकर प्रीमियम लुक उठ कर आता है। हेडलाइट बल्ब भी डाला है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल बल्ब डाला है, आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि रात हो रही, रात में ही ये सब चीज़ सही दिखती है दोस्तों। ये देखिए बहुत ही पावरफुल बल्ब है ये, विथ गारंटी है दोस्तों, और रात में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जो कंपनी देती है लाइट बल्ब देती है ना दोस्तों, वो बहुत ही लो पावर का बल्ब होता है, जिसमें आप प्रॉपर तरीके से रात में ट्रैवल नहीं कर सकते दोस्तों। दोस्तों जो हमने लाइटिंग की है ना, उसका व्यू रात में ही अच्छा दिखता है। जो हमने स्टार लाइट लगाई है, जो हमने एम्बिएंट लाइट लगाई है, जो हमने डैशबोर्ड के नीचे लाइट लगाई है, उसको मैं आपको अभी दिखाऊंगा रात में। लेकिन दोस्तों देखने के बाद, जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। आइए